पहले तो मैं आपको अहमदाबाद की परिस्थिति का थोड़ा बता दूं कि अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहां बेरोकटोक मरकज के लोगों ने यहां काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। और अहमदाबाद का भी आपको पता है कि 600 साल पुराना अहमदाबाद है, अहमदाबाद का भी एक इंटीरियर अहमदाबाद यानी कि पुराना अहमदाबाद और दूसरा है नया अहमदाबाद। आपको ताजुब होगा कि ये पुराने अहमदाबाद में ये लोग उन्हें जो पूरी मरकत वाले लोगों ने जिस तरीके से वहां हिस्ट्री छुपा कर वो घूमे और इसके कारण वहां ही अहमदाबाद का जो हमारा केसेस का जो फिगर्स है मृत्यु जो फिगर्स है उसमें भी 90% उसमें है और 10% आउटर अहमदाबाद में है। तो क्या हुआ है कि हमारी जो जनसंख्या और 90% अहमदाबाद बाहर है वहां 10% है और 10% वाले अहमदाबाद में 90% केसेस आ गए हैं। और इसके कारण देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले में गोदी मीडिया ने एक तरफ तो जमकर तबलीगी जमातियों को दोषी ठहराया लेकिन दूसरी तरफ की बात करना ही नहीं चाहा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा हुआ है जिसे मीडिया नहीं दिखा रही है। दरअसल UNDP के सदस्य विक्रम सिंह चौहान जी अपने एक पोस्ट में एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। विक्रम सिंह चौहान अपने पोस्ट में लिखते हैं, मोदी सरकार और गोदी मीडिया देश से बहुत बड़ी बात छिपा रही है। गुजरात में कोरोना वायरस का एल स्ट्रेन आया है जो कि चीन के वुहान का ओरिजिनल स्ट्रेन है। यह स्ट्रेन वुहान के बाद अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैला है। भारत में इस स्ट्रेन को पैर पसारने का मौका मोदी ने फरवरी में ट्रंप को गुजरात बुलाकर दिया। हजारों अमेरिकी भारत में एल स्ट्रेन फैलाकर चले गए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दो अलग स्ट्रेन हैं जिसे विक्रम सिंह चौहान ने बड़े अच्छे से समझाया है। वे लिखते हैं कि एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इनमें से एल स्ट्रेन चीन के वुहान का ओरिजिनल स्ट्रेन है। इस वायरस का असर बहुत घातक है और इस वजह से जल्दी मौत भी होती है। वुहान के बाद एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से एस स्ट्रेन बना या अपेक्षाकृत कम घातक है। भारत के केरल और कई राज्यों में एस स्ट्रेन है। अहमदाबाद में केएमसी ट्रंप की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों से आने वाले अधिक रहे हैं जहां पर एल स्ट्रेन कॉमन है, इसलिए गुजरात में एल स्ट्रेन का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है जिस वजह से मौत अधिक हो रही है, केस भी दुगनी गति से बढ़ रही है। मोदी और विजय रूपाणी को यह बातें पहले से पता थी इसलिए जमात के लिंक को यहां भी हवा दिया जा रहा था, लेकिन एस स्ट्रेन की वजह से जमाती ठीक होकर अपना प्लाज्मा तक दे रहे हैं। वैसे भी गुजरात में उनकी संख्या कम थी लेकिन एल स्ट्रेन का लिंक नहीं बताया जा रहा है। जाहिर है नए केस और मरने वालों का लिंक केएमसी ट्रंप से ही जुड़ा है। पालतू मीडिया इतनी बड़ी सच पर एक अक्षर लिखने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। गुजरात में हाहाकार मचना तय है, बस दिन गिन लो। आपको बता दें कि इस खबर को विक्रम सिंह चौहान ही नहीं बल्कि द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस एंगल को उठाया है लेकिन गोदी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। गोदी मीडिया को ये बात अच्छी तरह पता है इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जमात के खिलाफ प्रचार कर रही है। साधु की हत्या का मामला उठाकर सोनिया गांधी से सवाल पूछती है। केंद्र और गुजरात सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ही इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लोगों को बस तबलीगी जमात हिंदू मुसलमान पर ही उलझा रखा है जो शर्मनाक है। तो क्या आप विक्रम सिंह चौहान साहब के तथ्य से सहमत हो पाए हैं या अभी तक भक्ति में ही लीन हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टीवी एंड लाइव।